नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 29 चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोग अपना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लास 10 और 12 का जो मार्क अपलोड करना था वो आप सभी लोग कर चुके होंगे और उसका लास्ट डेट 8 अगस्त 2018 था। तो जो भी नहीं किए वो कर सकते हैं, लेकिन अब एक और मैसेज आया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप सभी का मोबाइल पर आया होगा। इस मैसेज में लिखा है कि डियर स्टूडेंट प्लीज़ करेक्ट मार्क ऑफ यूजी पीजी डिग्री इफ़ इनकोरेक्ट फ्रॉम 7 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक। तो जो भी कैंडिडेट बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मेरा यूजी या पीजी में मार्क मिस्टेक से मतलब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है, तो उनके लिए एक चांस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी फिर से दे रहा है और आप लोग करेक्शन कर सकते हैं यदि मिस्टेक है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप एक बार लॉगिन करके देख लीजिएगा, मैं बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो 7 तारीख से लेकर यानी 7 से लेकर आपको 8 तक मतलब आप 24 आवर बोल सकते हैं, आपके पास समय है। वैसे भी आज 7 अगस्त हो ही चुका है और आज और कल 2 दिन आपको करना है। और जैसे कि आपको जाना है जीयू पोर्टल पे, मैं लेके चलूँगा। और काइंडली नोट डेट ओनली एग्रीगेट मार्क्स सम ऑफ द टोटल मार्क ऑब्टेन इन ऑल पेपर्स इंक्लूडिंग मेजर एंड पास कोर्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द जीयू बीएड सीईटी 2018 एंड नॉट मेजर मार्क ओनली। तो जिसका मेजर और जो डिग्री में मेजर लिए हैं तो मेजर और जनरल दोनों मिला के आपको देना पड़ेगा, सिर्फ मेजर देने से नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप जो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे अपना जनरल का मार्क और मेजर का मार्क दोनों आप दीजिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है सम ऑफ द टोटल मार्क ऑब्टेन इन ऑल पेपर इंक्लूडिंग मेजर एंड पास कोर्स, दोनों मिला के आपको देना है, सिर्फ मेजर नहीं देना है। तो यही बात है, आप सभी लोग का परसेंटेज तो आपको पता ही होगा, जो परसेंटेज आया होगा वो अच्छी तरह से दीजिए क्योंकि वही लास्ट है और फिर से आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और यदि कोई मिस्टेक हो जाए फिर उसके बाद भी हो रहा है तो आप करेक्शन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेचर्स मे बी कैंसिल इवन एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ रॉन्ग एंट्री ऑफ मार्क इज डिटेक्टेड एट लेटर स्टेज। तो आप सभी का जो कैंडिडेचर है यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों के पास समय है 24 आवर्स के अंदर आपको करेक्शन कर लेना है यदि मिस्टेक है तो, और अच्छा है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। तो यही है, और इस लास्ट स्लाइड में और थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव एंटर करेक्ट मार्क मे इग्नोर दिस नोटिफिकेशन। तो जिसका मतलब मार्क करेक्ट है तो इग्नोर कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं करना। लेकिन मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि आप सभी लोग वेबसाइट पे जाइए जीयू पोर्टल डॉट इन, जैसे कि मैं दिखाऊंगा अभी, तो उस पे जाके एक बार चेक कर लीजिए कि आपका मिस्टेक है या नहीं है। तो जिसका मिस्टेक है उसको ही सही करना है, जिसका सही है उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा और आप सभी का मोबाइल पर गया होगा मैसेज, नहीं गया है तो भी आप अपना गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर जाके लॉगिन करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं दिखाऊँगा कैसे आपको करना है। तो चले चलते हैं। तो जैसे कि जीयू पोर्टल ब्राउज़र पर टाइप करके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा जीयू एडमिशन फ़ी पेमेंट बीएड 12th और 10th मार्क एंट्री जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो स्टार्टिंग में आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको इस तरह ही जो क्लास 10 और 12 का दे रहे होंगे तो इस टाइप का ही आ रहा होगा, तो इस बार भी वैसा ही आ रहा है। तो थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे जो बीएड स्टूडेंट लॉगिन क्लास 12 और 10 एंट्री है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक नया पेज पर जाएंगे जहाँ पर आपका यूज़र आई डी और पासवर्ड जो कि स्टार्टिंग में आप दिए होंगे 10 और 12 का जब अपलोड कर रहे होंगे उस टाइम, तो वही यहाँ पर देना है। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली आप चले जाएंगे उस पेज पे जो पेज स्टार्टिंग में आप लोग सेव किए होंगे क्लास 10 और 12 का जो सेव किए होंगे वो वाला जो मार्क एंट्री है वो उसी पे डायरेक्ट चले जाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको क्लास 10 12 का तो स्टार्टिंग में कर चुके होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो उसको भी कर सकते हैं। और एक बार यहाँ आप चेक कर लीजिए और रिजल्ट वेटेड जिसका था वो यहाँ पे मार्क दे सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेडिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका GPS जो होता है वो सब भी आपको दे सकते हैं यहाँ पे आसानी से। तो यही बात है, जिसका जैसा है वो उसके हिसाब से मार्क दीजिएगा, और जिसका मार्क वेटेड था और रिजल्ट वेटेड था वो भी यहाँ पे यस देके नो देके अपना रोल नंबर यहाँ पे आपको देना है, डिग्री यहाँ पे देना कंप्लीट देना पड़ेगा। ग्रेडिंग इस टाइप क्या टाइप में है, जीपीए है तो जीपीए दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क देना है और यहाँ पर टोटल सेमेस्टर और टोटल परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो सोच समझ के दीजिएगा आप सभी लोग। और उसके बाद यहाँ पर फाइनली सेव बटन है, उस पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करेंगे तो ये फाइनली सेव हो जाएगा। तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट मार के फाइनली आपका जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आप सेव एंड नेक्स्ट मार देंगे तो आपका स्टेटस कंप्लीट हो गया। उसके बाद फाइनली जैसे कि डाउनलोड जो मैं स्टार्टिंग में बताया था डाउनलोड जाकर कर सकते हैं, तो वैसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए इसको। और बस यही बात है, यहाँ से जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा सेव एंड नेक्स्ट मारने के बाद। उसके बाद इसको सेव करके रख दीजिएगा, फ्यूचर के लिए आपको एडमिशन जब होगा उसमें काम देगा। तो यही छोटा सा न्यूज़ आया था, आप सभी का मोबाइल पर आया होगा आई होप।
और नहीं आया है तो जिसका नहीं आया उसको वो भी वेबसाइट पर जाके चेक करके लॉगिन करके आप इसका जो स्टेटस है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो आपके पास 24 आवर्स का समय है और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के देखने के बाद आपका जो भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा या फिर फ़ोन करके भी बताइएगा कि ऐसा ऐसा करना है जो मैं बताया आप सभी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नोटिफिकेशन आता है तो, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कोई नोटिफिकेशन आता है तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।